नमस्कार मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता परमात्मा द्वारा गाया गया गीत है और यह हर मनुष्य को सुनना चाहिए। यह एक ऐसा संवाद है जो मनुष्य मात्र का कल्याण करने वाला है। अगर आपने अभी तक इसे नहीं सुना तो एक श्लोक के माध्यम से आज जरूर सुनिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि ऐसे कौन से लोग हैं जो मोक्ष के अधिकारी होंगे, जिन्हें इस आवागमन से मुक्ति मिलेगी, माया मोह से मुक्ति मिलेगी, उनके किस तरह के लक्षण हैं, किस तरह का स्वभाव है और कौन से गुण हैं जो मुमुक्षुओं को अपने अंदर विकसित करने चाहिए। भगवान कहते हैं, यम हि न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते वो मोक्ष के योग्य होता है। सुख और दुखों के संयोग ही हमारी इंद्रियों को चंचल करते हैं, मोहित करते हैं, व्यथित करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये ऐसे गियर हैं जो हमारी गाड़ी को हमेशा आगे की ओर धकेलते रहते हैं, गलत दिशा में धकेलते रहते हैं और हम अपने लक्ष्य से जहां हमें जाना था वहां से भटक जाते हैं, पथभ्रष्ट हो जाते हैं। तो किस तरह से इंद्रियों के विषयों से हम बचें, उसके लिए साधना है, संयम है, स्वाध्याय है, शाकाहार है, परोपकार है और सदाचार है। इन चीजों का अगर हम जीवन में अपनाएं तो निश्चित रूप से हम सुख और दुख को समान समझ सकते हैं। ये बहुत बड़ा सूत्र बताया भगवान ने कि यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ। जो पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष, इन चीजों से विचलित नहीं होता, व्यथित नहीं होता, दुखी नहीं हो जाता परेशानियों के आने से, चुनौतियों के आने से, अभावों के आने से, सम सुख सम दुख सुखम धीरम, सुख और दुख में धैर्य धारण करना, सम रहना, समत्वम योग उच्यते, सम दुख सुखम धीरम सो अमृत तत्वाय कल्पते। वो अमृत तत्व का अधिकारी होता है, अमरता, वो मोक्ष का अधिकारी होता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। तो जीवन में परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें इंद्रियों के संयोग और वियोग, जो विषयों का संयोग और वियोग है, उससे विचलित नहीं होना है। हमें कोई सुख मिले, दुख मिले, हमें चाहे वांछित चीज मिले, चाहे अवांछित वस्तु मिले, हम उसे प्रभु का प्रसाद समझकर स्वीकार करें और बेहतर के लिए प्रयास करें, अपना पुरुषार्थ करें, आगे बढ़ें बिना विचलित हुए, तभी हम प्रभु कृपा के सच्चे अधिकारी होंगे। ये संदेश भगवान श्री कृष्ण का है। इस विश्वास के साथ कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का यह संवाद आपके जीवन को प्रगति की ओर ले जाएगा, इतने ध्यान और प्रेम से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।